हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आज वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज फिर से एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आज मैं बात करने वाला हूँ वन वे कैब कार रेंटल की, वन वे कैब सर्विस की। वन वे कैब एक कंपनी है, जैसा कि आप जानते हो, अगर आपके स्टेट में, आपके शहर में चलती है तो उसके लिए मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि आसिफ भाई इसका जो रजिस्ट्रेशन है ना वो किस तरीके से होता है, कैसे काम करती है, मैंने अपने पेपर डॉक्यूमेंट किस तरीके से अपलोड करना है, कैसे कैसे सिस्टम होता है और इसकी चालू जो एप्लीकेशन है वो कितने टाइम के अंदर हो जाती है। तो आज इसका एप्लीकेशन का रिव्यू करने वाले हैं, आपको बताऊंगा आपकी गाड़ी इसके अंदर कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है, ड्राइवर कैसे ऐड करना है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करने पड़ेंगे ताकि आपकी आईडी चालू हो जाए और आप इस कंपनी के साथ काम कर सकें। दोस्तों इस कंपनी का एक चीज़ और है वो मैं आपको बता दूँ। तो चलो आज का ब्लॉग इसी के ऊपर है। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों आज का ब्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये वाली जो कंपनी है ना इसकी भी दो खासियत है, एक अच्छी है और एक ख़राब है। मतलब अच्छाई भी बहुत है और ख़राब भी बहुत है। आप कहोगे क्या, तो मैं आपको बता दूंगा, अगर आपके स्टेट में, आपके शहर के अंदर इस कंपनी की सर्विस है तो काम की बड़ी, ये जो एप्लीकेशन है ना, ये जो कैब का एक डिटेल कंपनी है, काम की भी बहुत है और ना काम की भी बहुत है। बट मैं कहूँगा इसके काम की काफ़ी हद तक हेल्प करती है काम करने में। इसकी दो खासियत क्या है ना, एक अच्छाई वाली पहले बात बता दूं, ख़राब वाली आपको बाद में बता दूं। इसकी अच्छाई जो एक ही है, जो राउंड ट्रिप हो या फिर रेंटल बुकिंग हो, जो रेंटल हावली रेंटल आती है वो एक राउंड ट्रिप, मतलब आके जाने की, आने जाने की वो, और एक हावली रेंटल एक नंबर का पैसा देती है। लेकिन सबसे ख़राब जो आदत है ना वो इसकी वन वे का बुकिंग है, मतलब पिकअप करके ड्रॉप करना कहीं से भी, एक स्टेट से या फिर दूसरे स्टेट में जा रहा हो या एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हो, वहाँ पर ये सबसे ख़राब रेट देती है। और एक चीज़ और है इसके अंदर, अगर आपने मतलब बुकिंग लेके नहीं गए और आपको रिटर्न में इसके अंदर बुकिंग चाहिए तब भी ये बुकिंग आपको दे देती है। ओला क्या करती है, अगर ओला की आप बुकिंग लेके जा रहे हैं तब आपको रिटर्न बुकिंग देगी, ठीक ऊबर की अगर बुकिंग लेके गए हैं या नहीं गए हैं फिर भी ऊबर बुकिंग दे देता है। तो ठीक उसी तरीके से ये वाली कैब कंपनी भी आपको अगर बुकिंग लेके गए हैं या ना लेके गए हैं तब भी आपको बुकिंग ये दे देगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है, जिस तरीके से आने वाली बुकिंग में उबर ओला कम फेयर देते हैं ना, उसी तरीके से ये भी एक कम फेयर देती है। तो इसकी ये खासियत और एक ख़राब खासियत दोनों मैंने आपको बता दी है। अब मैं बात करने वाला हूँ इसका प्रोसेस का, इसका रजिस्ट्रेशन किस टाइप से करते हैं, कैसे करते हैं। मैं यहाँ पर एक चीज़ और लूँगा दोस्तों, अगर आप कोई भी कैब एग्रीडर्स कंपनी मतलब काम कर रहे हैं कैब बिजनेस में आकर, तो अपने मोबाइल के अंदर जितने ज़्यादा प्लेटफॉर्म रखेंगे काम करने के लिए उतना बिजनेस आपको काम करना ईजी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के ब्लॉग के अंदर मैं आपको सिंपल चीज़ इसका रजिस्ट्रेशन बताने वाला हूँ कि आप अपनी गाड़ी को इस कंपनी के साथ किस तरीके से ऐड कर सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको सारा कुछ विद प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा स्क्रीन, मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। तो चलो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर दोस्तों मेरी मोबाइल की स्क्रीन आ चुकी है, आपने देखा होगा यहाँ पर मैंने मोबाइल की जो स्क्रीन है वो आपको लगा दी है। आप, हम बात कर लेते हैं, आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, सबसे पहले अपना गूगल प्ले स्टोर ओपन करना है, यहाँ पर आपको डालना है वन वे कैब पार्टनर। तब आप वन वे कैब पार्टनर डालेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा, पहले ऊपर सवारी का आ रहा है, नीचे जो आएगा पार्टनर, मतलब आपको ड्राइवर एप्लीकेशन लेनी है तो आपको ड्राइवर एप्लीकेशन वन वे की डाउनलोड कर लेनी है। यह वाली वन वे की एप्लीकेशन है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ठीक है। आपको ये वाली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी है, आप अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ का स्टेप इसका जो भी स्टेप है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसका इंटरफेस हो जाएगा जब आपकी ओपन हो जाएगी पूरी आईडी इस तरीके से। तो यहाँ पर जो आपको चालू बुकिंग में माता, अभी हमको काम करना है, तो इसको अभी ना ऑफ ड्यूटी कर देते हैं, यहाँ से ऊपर से ऑफ ड्यूटी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो तीन डॉट दिखेंगे ना आपको, यहाँ पे आपकी जब आईडी ऐसी होगी ना टीटी, आपकी आईडी दूसरे टाइप होगी, जब आपकी ओपन हो जाएगी तब आपको ऐसा होम पेज दिखेगा। तो आपको है ना, मैं आपको मतलब मैंने लॉग आउट नहीं किए,
इसके लिए आपको डायरेक्टली दिखा रहा हूँ, आपको अपना मोबाइल नंबर डाल के इसको लॉगिन करना है सबसे पहले रजिस्टर्ड करने के लिए, फिर आपको इस टाइप का पेज ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें नज़र आएंगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपका जो गाड़ी का ऑप्शन दिखाई देगा, वहाँ पर आपको गाड़ी अटैच करनी है, गाड़ी ऐड करने का वहाँ पर ऑप्शन दिया जाएगा, फिर आपको किस टाइप का जाना है, इस टाइप का आपको पेज ओपन होगा पेपर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इंटरफेस, ये जो होम पेज आपको दिख रहा है ना, इस टाइप का आपको यहाँ पर वहाँ पर आपको शो करेगा। आप मोबाइल नंबर जैसे ही डालेंगे ओटीपी आएगा, ओटीपी वही नंबर डालना है, वही जो आप यूज करेंगे पेटीएम वीटीएम वगैरह, इसके जैसे ऑनलाइन पेमेंट करना होता है आपके ऊपर कमीशन हो जाए जब, तो इसके लिए नंबर वही ध्यान में रखना है सबसे पहले, जो आप कंटिन्यू रख सकते हैं अपने पास। यहाँ पर आपको इसके तो आप देख रहे होंगे ना, यहाँ पर जो आपको ग्रीन दिख रहा है बिल्कुल भी, आप जब का आपका नया अकाउंट होगा ना तो आपका दूसरा डिफरेंट कलर होगा, शायद ऑरेंज हो सकता है, क्योंकि ये मेरा अकाउंट बहुत पहले का बना हुआ है तो मेरे को कलर का ध्यान नहीं है। कलर इस टाइप का कैसा होगा, जैसे अभी ग्रीन दिख रहा है, ग्रीन मतलब पूरा ग्रीन सिग्नल है, एक्टिवेट है, तो इस टाइप में ग्रीन दिख रहा है। मैं आपको बात करूँगा जब आप अपना पेपर डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो वहाँ पर आपको कलर कैसा लगेगा। जब आपके सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे ना, उसके बाद जो ऊपर की साइड आपको कलर दिख रहा है ना येलो कलर का, आपके सारे कलर ना येलो कलर में चेंज हो जाएंगे। जैसे ही अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट मिस होता है, मतलब दोबारा से रीटेक, मतलब दोबारा से पेपर अपलोड करने के लिए बोल रहा है, तो आपको दोबारा से पेपर अपलोड करना है, वहाँ पर सबमिट कर देना है। तो अब यहाँ पर तीन ऑप्शन आपको मिलेंगे, जो भी कलर में आपको मिलते हैं वो। सबसे पहला ऑप्शन होगा ड्राइवर डिटेल्स, दूसरा ऑप्शन होगा कैब डिटेल्स, तीसरे में ऑप्शन है बैंक डिटेल्स। तो यहाँ पर तीन शो कर रहे हैं। अब आप सोचोगे यहाँ पर गाड़ी की हमारी जो भी चीज़ें हैं वो कहाँ से शो करेंगे, तो यहाँ पर आपको तीन और एरो टाइप दिख रहा है ना। पहली लाइन में कैब ड्राइवर डिटेल्स के अंदर आपको एरो दिख रहा है, यहाँ पर आप इस एरो पे क्लिक बैट करेंगे तो आपको इस टाइप के पेज ओपन होंगे। पहले यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे ग्रीन टिक लगे हुए हैं सभी पे, जो ग्रीन टिक लगे हैं लाइन से, इन चीज़ को आपको देख लीजिए। पहला जो ऑप्शन आएगा ना आपका ड्राइवर आधार कार्ड नंबर, जो भी ड्राइविंग करने वाला है कार ओनर है उसका आधार कार्ड यहाँ पर लगाना है, कार ओनर ठीक है, कार ओनर यहाँ पर अपना ड्राइवर की आईडी डालनी है आधार कार्ड की। दूसरे नंबर पे है ड्राइविंग लाइसेंस, जो ड्राइवर कार ओनर है उसका अपना ड्राइवर लाइसेंस डालना है, यहाँ पर डालनी है। ड्राइवर सेल्फी आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरी जो सेल्फी लगी है ना, इस टाइप की आपको अपनी सेल्फी यहाँ पर लगा देनी है अपने फेस की, उसके बाद इसको छोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो कलर है ना वो डिफरेंट मतलब चेंज हो जाएगा, फिर आपको दूसरा वाला ऑप्शन चॉइस करना है यहाँ पर कैब डिटेल में। तो ये जो ऊपर जो सारी चीज़ दिख रही है मैं इसको ओपन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरी पर्सनल डिटेलें निकलेंगी, इसके लिए मैं आपको ओपन नहीं कर रहा हूँ। तो आधार कार्ड फ्रंट होगा बैक होगा वो सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप ऑप्शन में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो दूसरे ऑप्शन में कैब डिटेल्स, आपकी जो कार आपकी जो गाड़ी है वो होना चाहिए कॉमर्शियल, प्राइवेट गाड़ी नहीं चलेगी। तो यहाँ पर जैसे ही आप एरो पे क्लिक करेंगे ना तब आपको कुछ चीज़ें निकल के आएंगी, इस चीज़ में आप समझ लेना, वो चीज़ आप समझ लेना। पहले में आरसी बुक, आपकी जो गाड़ी का आरसी बुक है वो सबमिट करना है पहले में। दूसरा ऑप्शन है आपका टैक्सी इंश्योरेंस, जो भी गाड़ी का आपका इंश्योरेंस है वो वहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। तीसरे में है फिटनेस सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट आपको तीसरे ऑप्शन में सेंड कर देना है। चौथे नंबर पर आपको टैक्सी फ़ोटो मतलब आपकी जो भी गाड़ी है फ्रंट से लेकर के पीछे, बैक साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, गाड़ी का आगे का इंटीरियर, वो सारी चीज़ें आप आ जाएंगी यहाँ पर। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, फ्रंट है, बैक साइड है, साइड लेफ्ट है, साइड राइट है, और आगे का इंटीरियर, ये पीछे का बैक साइड की सीट का इंटीरियर, और यहाँ पर ये बूट डिग्गी पूछे का बीट जो बूट स्पेस होता है वो। अगर आपकी CNG गाड़ी है तो आपकी इसके अंदर जो गाड़ी लगेगी जो कैटेगरी आएगी वो आएगी मतलब मिनी कैटेगरी हैचबैक कार में आएगी आपकी गिनती, अगर आपकी CNG गाड़ी है। अगर आपकी डीजल गाड़ी है बिना मतलब बूट स्पेस वाली है तो वो आएगी सेडन कैटेगरी के अंदर। अगर यहाँ पर आप थोड़ा सा गेम करेंगे, थोड़ा सा मतलब डिग्गी के बूट स्पेस डालने में तो कुछ थोड़ा सा हो सकता है कुछ अलग से, वो मैं वीडियो में आपको बता नहीं सकता। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन आ जाता है आपका बैंक डिटेल्स। यहाँ पर आपको बैंक डिटेल्स के अंदर अपनी जो भी मतलब आपकी पर्सनल डिटेल्स है, आपकी जो पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट होगी वो आएगी, या फिर आपको अपने बैंक से इस कंपनी को पेमेंट करना है तो वो अटैच होगी यहाँ पर। उसके हिसाब से आप पेमेंट मतलब पेटीएम से भी यूज कर सकते हैं या फिर गूगल पे, जो आपको मना है वो
वॉलेट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वो सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो आप इन चीज़ों के अंदर आपके अकाउंट्स की डिटेल यहाँ पे शो कर देनी है, आपका पान कार्ड यहाँ पे दूसरे नंबर पे सबमिट कर देना है, और ड्राइवर पे आउट आपको कितना पर डे चाहिए वो सब डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलेगा। तो यहाँ पर आपके जब भी जैसे ही आपके सारी चीज़ें फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी, वहाँ पर आपका कलर चेंज हो जाएगा, आपका ये कलर ग्रीन की जगह आपका कलर आ जाएगा येलो कलर। तो जैसे ही आपको ये अप्रूवल मिलेगा, यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट स्टेटस अप्रूव्ड, तो आपकी गाड़ी जैसे ही ऑन रोड हो जाएगी, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे, तब ये आपका कलर चेंज हो जाएगा ग्रीन में। तो एक दो हफ्ते का टाइम लगता है इसको चालू होने में, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स काफ़ी ज़्यादा चेकिंग होती है, उसके बाद आपकी गाड़ी एक्टिवेट होगी। जैसे ही आपकी गाड़ी एक्टिवेट होगी, यहाँ पर ये आपके डॉक्यूमेंट स्टेटस ग्रीन में आ जाएगा, और यहाँ पर आपका पूरा ग्रीन सिग्नल हो जाएगा। यहाँ पर आप सिम लगा हुआ है, चेंज मोबाइल नंबर, अगर जब भी आप चाहें बीच में कभी भी आपको नंबर चेंज करना हो तो इसमें नंबर डाल के आप आपसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ड्राइवर चेंज करना है या फिर चेंज कुछ भी आपको ड्राइवर या चेंज करना है, तो वहाँ पर आपको अपना ड्राइवर चेंज कर देना है दूसरे ऑप्शन में। इसके अंदर एक ही ड्राइवर लगता है, चाहे आप गाड़ी का लगा लो या फिर आपको गाड़ी का ड्राइवर चला रहा है वो लगा लो। तो यहाँ पर आप अपना जब स्टार्टिंग में आप डालेंगे तो आपको सब कुछ अपना डालना पड़ेगा, लेकिन जब आप हटाएंगे बाद में जो भी ड्राइवर ऐड करना है यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे मैं ऑप्शन आपको दिखा दूँ, यहाँ पे लिखा है चार्ट विद अस, अगर आपकी गाड़ी अप्रूवल नहीं हो रही है तो यहाँ पर आप चार्ट ऑप्शन यूज कर सकते हैं। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे, जब आप पहले डालेंगे तब आपको यहाँ पर ऑप्शन निकल के आ जाएंगे। यहाँ पर आप अगर आपका मतलब आप पेमेंट रिलेशन है, कोई भी पेमेंट मतलब प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर आप सबमिट कर सकते हैं, मेरा नाम आईडी सब कुछ यहाँ पर आ रहा है। तो और अगर आपको हेल्प चाहिए कंपनी से तो यहाँ पर आप सेंड कर सकते हैं, अपनी चार्ट कर सकते हैं कंपनी को, ठीक है। अगर ट्रेनिंग वीडियो कुछ फाइनेंस बुकिंग पेमेंट इशू कुछ भी है, प्रोफाइल अकाउंट से लेने में कुछ भी इशू है, तो इनमें से आपको कुछ भी इशू है, आपको प्रॉब्लम है, तो इनमें से एक ऑप्शन चॉइस करके आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जब आपके पास जब भी बुकिंग होगी तो यहाँ पर आप जैसे ही है चार्ट विद ऑप्शन दिखा रहा है, तो यहाँ पर आपको जो बुकिंग आएगी यहाँ पे हेल्प विद इशू नंबर होगा, अगर आपको कंपनी से कोई हेल्प चाहिए तो यहाँ से आपका नंबर कंपनी को कॉल करने के लिए लगेगा। तो आई होप आप सारा कुछ समझ गए होंगे। अगर कहीं पर भी कुछ भी कोई इशू होता है, कोई प्रॉब्लम वहाँ समझ में आती है, कन्फ्यूजन होता है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पर आप सबमिट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।